दोस्तों, क्या आपको पता है सिंघम का पार्ट 3 बनने वाला है, लेकिन इस फिल्म में आपको अजय देवगन नहीं सनी देओल नजर आएंगे। आप भी ये बात सुनकर चौंक गए ना? हम भी ऐसे ही चौंक गए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिंघम के थर्ड पार्ट में अजय देवगन की जगह सनी देओल नजर आने वाले हैं? दरअसल यहाँ मामला कुछ और है। अब बॉलीवुड में दो सिंघम 3 बनेंगी, एक जिसे रोहित शेट्टी निर्देशित करेंगे और उसमें हमेशा की तरह अजय देवगन बेहद धाकड़ पुलिस वाले सिंघम की भूमिका में दिखाई देंगे, तो वहीं दूसरी सिंघम 3 का निर्माण जयंती लाल गाडा करने वाले हैं, जिसमें सिंघम की भूमिका में सनी देओल को फाइनल कर लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि एक ही नाम की दो फिल्में क्यों बनाई जा रही हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। सनी देओल को लेकर बनने वाली सिंघम 3 के को प्रोड्यूसर जयंती लाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि सबसे पहले तो मैं फिल्म के नाम को लेकर एक बात ये बताना चाहता हूँ कि लोग इसे सिंघम 3 कह रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को S3 के नाम से रिलीज किया जाएगा। हमारी फिल्म S3 तमिल में बनी फिल्म सिंघम का तीसरा पार्ट होगी, जिसके तीनों भागों का निर्देशन हरी ने किया है। तमिल में पहले भाग का नाम सिंघम था, दूसरे भाग का नाम सिंघम 2 था और तीसरे भाग का नाम S3 था। हम इसी तमिल में बनी S3 को हिंदी में बनाने वाले हैं। जयंती लाल आगे कहते हैं, हमारी फिल्म की कहानी से रोहित शेट्टी या अजय देवगन का कोई भी लेना देना नहीं है। हमारी फिल्म के पिछले पार्ट्स का नाम जरूर उनकी फिल्म से मिलता जुलता है, क्योंकि रोहित ने पहली फिल्म सिंघम जो तमिल में बनी थी उस फिल्म के सभी तरह के राइट्स को लेकर बनाई थी। लेकिन जब रोहित सिंघम का दूसरा पार्ट बना रहे थे तो उन्हें तमिल में बनी सिंघम 2 के राइट्स नहीं मिले और उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी थी। दरअसल जयंती लाल तमिल में बनी S3 के निर्माता भी हैं। मेरे को प्रोड्यूसर ने मुझसे इस फिल्म को हिंदी में बनाने की बात की और मैं भी तैयार हो गया। जयंती लाल की S3 में सनी देओल सूर्या की जगह कड़क और ईमानदार पुलिस वाले का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन रविचंद्रन करेंगे। फिल्म की हीरोइन के लिए अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म की कहानी हिंदी में लिखने का काम शुरू हो चुका है। वहीं अगर रोहित शेट्टी की सिंघम 3 की बात करें तो रोहित शेट्टी भी जल्द ही अजय देवगन के साथ सिंघम 3 को लेकर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले सिंघम की फ्रेंचाइजी बनाने के बाद उन्होंने सिम्बा बनाई, उसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार को लेकर सूर्यवंशी बनाई और अब इसके बाद कोई और नई कॉप मूवी नहीं आने वाली है, इसके बाद सिंघम ही वापसी करेगा। यानी कि इससे तो साफ जाहिर है कि अजय देवगन को लेकर रोहित शेट्टी जल्द ही सिंघम 3 को लेकर आने वाले हैं। रोहित के मुताबिक इस फिल्म पर काम शुरू हो चुका है और वो जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर देंगे। इस फिल्म में अजय देवगन सिंघम के तौर पर नजर आएंगे, ये तो फाइनल है, लेकिन उनके ऑपोजिट कौन सी हीरोइन नजर आएंगी इस पर अभी कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। दोस्तों, सिंघम का नाम ही काफी है, फिर चाहे वो सनी देओल की हो या अजय देवगन की हो। सनी देओल भी एक्शन के मामले में एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं, वहीं सिंघम के जरिए अजय देवगन ने भी अपनी एक अलग पहचान बना ली है। तो दोस्तों, आप दोनों सिंघम 3 मूवीज को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आप कौन सी मूवी देखना ज्यादा पसंद करेंगे, अजय देवगन की सिंघम 3 या सनी देओल की सिंघम 3? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।